सो दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी 20,000 से लेके 80,000 रुपये के बीच में लोन की ज़रूरत है, नीड है, इमरजेंसी है? भैया, अगर है तो एक ऐसी NBFC RBI रजिस्टर्ड कंपनी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको पर्सनल लोन देगा विदाउट सिविल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिविल स्कोर आपका चाहे 300 हो या 100 हो या फिर 0 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी को। लेकिन कंपनी NBFC RBI रजिस्टर है भाई। प्रोसेस आप इस वीडियो में समझ लेना, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन 101% ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होने वाली है। क्योंकि अब बहुत लोग का रिक्वायरमेंट आता है मेरे पास कि सर, ये 2-2, 3-3 हज़ार का लोन लेकर हम फंस जाते हैं, और कोई बड़ा लोन अमाउंट बताइए जो NBFC RBI रजिस्टर्ड हो। तो भाई, ऐसी कंपनी हम लेके भी आ चुके हैं, और आपको यहाँ से हम बताएंगे कि कितने का लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास 101% होने चाहिए। अदरवाइज अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो यहाँ से आपको लोन नहीं मिल पाएगा। भाई, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो श्रीराम सिटी एप्लीकेशन का नाम है। वैसे श्रीराम यूनियन फाइनेंस के नाम से भी जानी जाती है, वैसे नाम वही है, लेकिन श्रीराम सिटी इनमें शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिख रखा है, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड NBFC RBI रजिस्टर है। पहले मैं अपना दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीराम सिटी पे योर MISS। तो पहले मुझे मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। डायल लॉगिन करके पहले मैं अपना अकाउंट आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, लोन अमाउंट 54,000 रुपये का मेरा लोन है। व्यू कैंसिल NSHE, मतलब यहाँ पर NSH लगेगा आपका। NSH मतलब ECS लगेगा आपके अकाउंट से, जो आपके अकाउंट से डायरेक्टली अमाउंट जो है वो डेबिट होता रहेगा। अब मैं प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को कि आप कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, 54,000 रुपये का लोन चल रहा है मेरा। ठीक है, और यहाँ पे MI जो दिखा रहा है, हिसाब से आप देख सकते हो भाई। तो ये चीज़ है, 54,000 रुपये का मेरा लोन चल रहा है। अब बारी आती है भैया, आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। देखो, यहाँ पर मेरा नाम भी शो हो रहा है, ही रंजीत, सेलेक्ट योर लोन बेसिस टू योर पे। तो यहाँ पे मैंने जो लोन ले रखा है वो ले रखा है भैया 54,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 54,000 रुपये का लोन ले रखा है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, 54,000 रुपये का मैंने ले रखा है। और यहाँ पर आप लोग कैसे लोगे ये प्रोसेस आप समझ लीजिए। मैं पहले बैक कर देता हूँ सब, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ श्री राम और ऑफिस दिल्ली। देखिए, ये मैंने अपने अपने स्टेट पे, मैंने सॉरी अपनी सिटी पे मैंने सर्च किया है ऑफिस इनका। अगर आप जिस भी सिटी में रहते हो, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बांग्लादेश, कहीं भी रहते हो, तो वहाँ हर जगह इसके ऑफिस हैं ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं कहीं अगर ना हो तो पहले आप गूगल पे सर्च कर लेना, कि ये चीज़ देख लेना कि हाँ भाई, आपके घर के पास या नियर थोड़ा सा दूर ये श्री राम सिटी यूनियन का फाइनेंस का ऑफिस है या फिर नहीं है। अगर दिल्ली में आप रहते हो तो मैं आपका करवा दूंगा। अगर दिल्ली से अगर बाहर रहते हो, अदर सिटी रहते हो, तो भैया आपको खुद ही सर्च करना होगा। प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। तो चाहिए यहाँ पर भाई लोन लेने के लिए, पहला होना चाहिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट, आप सैलरी परसेंटेज होने चाहिए हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके अकाउंट में सैलरी आनी ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके अकाउंट पे सैलरी नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है, माइनस है, तो भी आपको यहाँ से इजीली लोन मिल जाएगा। आपको 2 चेकबुक रेडी करने हैं, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, उसके बाद एक बैंक स्टेटमेंट और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। घर का अगर बिजली का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, तो वेरी गुड, वरना गैस बिल भी आप लगा सकते हो। ये हो गया। आपको क्या करना है, ये पूरा फाइल जो आपने डॉक्यूमेंट जो इकट्ठे किए हैं, ये लेके जाना है अपने नियर बाई ऑफिस। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो आपका काम मैं इजीली करवा दूंगा, कोई प्रोसेस का टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो तो आपको ये खुद ही प्रोसेस करना होगा। आपको क्या करना होगा भाई, सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको ऑफिस जाना होगा, और वहाँ पे कहना होगा भैया मुझे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है। फिर वहाँ पे आपका अप्रूवल चेक किया जाएगा, और अप्रूवल चेक होने के बाद आपके लोन अग्रीमेंट होगा। ये पूरा प्रोसेस लगभग लगभग 2 से 3 दिन का लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर आप आज जाओगे तो फाइल सबमिट कराओगे, उसके बाद आपका फाइल प्रोसेस में होगा, उसके बाद जो है डिस्पोचमेंट में मैं 1 दिन और प्रोसेस में 1 दिन, 2 दिन ये हो गए, और एक एक्स्ट्रा दिन ले कर चलो, क्योंकि क्या पता संडे मंडे भी हो जाता है, तो इस चक्कर में नहीं हो पाता। अब दूसरा प्रोसेस ये भी समझ लीजिए कि भैया देखो, श्री राम यूनियन फाइनेंस मैं सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। भाई क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, वो इसलिए नहीं है श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस में, क्योंकि दोस्तों इसमें ये तो पहली बात प्राइवेट कंपनी है, दूसरी ये है कि भैया यहाँ पे पर्सनल लोन 20,000 से लेकर 80,000 रुपये के बीच में मिल जाता है। बहुत लोगों को मैंने दिलवाया है दिल्ली NCR में भी, और अगर आप रहते हैं तो मैं आपका भी थोड़ा
कॉन्टैक्ट करके दिलवा दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको ही अरेंज करने होंगे और आपको ही देना होगा। लेकिन ये है कि भाई 101% लोन मिलेगा श्री राम फाइनेंस से, प्रूफ के साथ मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ करनी होगी। मेरा भी यहाँ पे देख रहा हो, प्लीज़ चेक यूर इंटरनेट, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मना मैं ऐप में ही लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता कि मैंने कितने का लोन लिया है और मैंने कितनी EMI भरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी NBFC से लोन लेना चाहते हो 20,000 से 85,000 के बीच में, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग कर लेना और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर जो मैंने प्रोसेस कहा है वो प्रोसेस आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भैया मुझसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर इनके श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस पे कस्टमर केयर पे भी बात कर सकते हो, वो भी आपको सारा प्रोसेस बता देंगे।